नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत अपर्णा यादव से। क्या अपर्णा यादव एक बड़ा रास्ता अपना रही हैं? अपर्णा यादव का रुख जो है वो आगे दिखता नज़र आ रहा है क्या? समाजवादी पार्टी की तरफ पढ़ रही हैं अपर्णा यादव, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपर्णा यादव आने वाले वक्त में बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिसके पीछे की एक नहीं कई वजह है। बीजेपी अपर्णा यादव को जगह देना नहीं चाहती, बीजेपी अपर्णा यादव पर भरोसा कर नहीं रही है, और बीजेपी अपर्णा यादव पर जिस तरीके से भरोसा नहीं कर रही है, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी ये मान रही है कि भाई अपर्णा को अगर बड़ी जगह दी गई तो शायद उसका बड़ा फायदा ना हो, और समाजवादी पार्टी में लगातार एक के बाद एक कई नेताओं को जिम्मेदारियां मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी में एक के बाद एक नेताओं को जिस तरीके से मैं अगर कहूं आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे शिवपाल यादव की बात कर लें, राम गोपाल की बात कर लें, आजम खान को जगह दी गई, तो ये माना जा रहा है कि शायद जितना बीजेपी कमज़ोर हो रही है विपक्ष उतना मजबूत हो रहा है। हालाँकि जिस तरीके से इतने लंबे वक्त के बाद भी अपर्णा को बीजेपी में बड़ी जगह नहीं मिल पाई, इससे समाजवादी पार्टी काफ़ी नाराज़ है, शिवपाल अखिलेश काफ़ी नाराज़ है। और बीते कुछ वक्त पहले हमने देखा भी था कि जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थी डिंपल यादव की अपर्णा यादव से, अपर्णा यादव की शिवपाल यादव अखिलेश यादव से, वो तमाम तरह की रणनीतियाँ ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि शायद आने वाले वक्त में एक बड़े बदलाव को देखा जा सकता है। और यही बदलाव है जो आने वाले वक्त में बहुत बड़े हद तक अगर कहा जाए तो शायद बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी में और भी कई विधायक हैं, नेता या फिर सांसद अगर सपा की तरफ जाते हैं तो ये सपा के लिए बेहतर होगा और बीजेपी को झटका। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।